dear students, welcome to Veena Pani online classes. How are you? Hope you all are well. My mom sir, 10th class ki social science ke chapter 2nd लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर सेकंड है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम पहले भी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद देश की प्रति लगाव या प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सत्याग्रह, सत्याग्रह पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो सत्याग्रह पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया गया। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया गया। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बताया लोगों को कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम सत्याग्रह के बारे में देखते हैं कि सत्याग्रह स्टार्ट कहां से हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा नए तरह के आंदोलन पर चलते हुए वहां नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। नस्ल भेदी का मतलब होता है काले और गोरे के बीच जो भेदभाव किया जा रहा था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से सफल रहा। तब महात्मा गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उपद्रव से मुकाबला करने के लिए आपको किसी तरह कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट होता है दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट होता। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। 9 जनवरी भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्तमान में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। इनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। जब गोपाल कृष्ण गोखले से संपर्क हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना, सन 1919 से 1947 तक भारत की राजनीति में महात्मा गांधी छाए रहे। सन 1919 से 1947 तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में छाए रहे, तो 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती के तट पर, अर्थात साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी के किनारे
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। स्थापना करने के बाद एक पॉइंट यहां पे और लिखते हैं, जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए तो भारत प्रथम विश्व युद्ध में संलिप्त था, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब यहां पे महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना कर दी और इन्होंने राजनीति में आकर के शामिल हो गए महात्मा गांधी, तब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को आश्वासन दिया, आज इस प्रथम विश्व युद्ध की घड़ी में आप हमारा साथ दे देते हैं तो मैं आपके भारत को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में समाप्त कर दूंगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैं आपके भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से वादा किया कि मुझे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कुछ भारत की तरफ से कुछ सेनाएं दे दीजिए, तो मैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मैं आपके भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। लेकिन जब लगा महात्मा गांधी को कि अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेज हमें स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब उन्होंने महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, जो भारतीयों के किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पर विचार किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाना प्रारंभ किया। जैसे चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट होता है, अहमदाबाद में भी मजदूर सत्याग्रह स्टार्ट होता है, उसके बाद गुजरात के खेड़ा नामक जिले में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह अर्थात चंपारण आंदोलन। यहां पे साबरमती के आश्रम की स्थापना हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगहों पर सत्याग्रह प्रारंभ किया, जैसे अभी मैंने बताया कि चंपारण में, गुजरात में, अहमदाबाद में, तो सारे सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए। तो चंपारण पर हम चर्चा करते हैं। 19वीं सदी में शुरू और 19वीं सदी के शुरुआत में गोरेबाड़ा आंदोलन को, चंपारण कहां है? चंपारण बिहार में, ये बिहार का जिला है। 19वीं सदी में गोरेबाड़ा मालिकों ने, 19वीं सदी में गोरेबाड़ा मालिकों अर्थात अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों की जमीनों का अनुबंध किया था, अर्थात किसानों को भी अनुबंध कर लिया था कि उनको मेरे अकॉर्डिंग सारे काम करने होंगे, मेरे अकॉर्डिंग किसानों को खेती करनी होगी। तो यहां पर गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों की जमीनों को अनुबंध किया था, उन जमीनों पर किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करने, 3/20 भाग पर, 20 भाग पर गोरेबाड़ा मालिकों ने चंपारण के किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती करने का दबाव बनाया कि आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। इसे 3/20 भाग की नील की खेती को तीन कटिया पद्धति कहा गया। इसे तीन कटिया पद्धति कहा गया, जो 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी इसे तीन कटिया पद्धति कहा गया। चंपारण के किसान 3/20 भाग पर नील की खेती करने लगे और जो नील की खेती होती थी इसका मूल्य किसान से बेचने के लिए इसका मूल्य
इन्हीं गोरे बागान मालिकों के द्वारा निर्धारित किया जाता था, इन्हीं गोरे बागान मालिकों अर्थात अंग्रेजों के द्वारा इसका मूल्य निर्धारित किया जाता था। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। अंग्रेज अपने कारण इसके मूल्य को निर्धारित करते थे और खुद इसको खरीद लेते थे और इसको एक खेती सभी किसानों अर्थात चंपारण के सभी किसानों को 3/20 भाग पर खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तब वहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अर्थात गोरी बागान मालिकों के खिलाफ उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जब अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण के किसानों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया, तो राज की वहां के राष्ट्रवादी नेता थे राजकुमार शुक्ला जी, वो महात्मा गांधी को इस विरोध प्रदर्शन में एक आयोग का गठन किया जाता है, किसानों की आयोग का गठन किया जाता है इस तिनकटिया पद्धति का विरोध करने के लिए। तो राजकुमार शुक्ला जी वो महात्मा गांधी को चंपारण में आंदोलन करने के लिए बुलाते हैं, सत्याग्रह करने के लिए बुलाते हैं। तो महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ जैसे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ऐसे कुछ व्यक्तियों के साथ महात्मा गांधी बिहार पहुंचते हैं। तो बिहार की कमिश्नर ने महात्मा गांधी को चंपारण में एंट्री के लिए मना कर दिया कि आप चंपारण में प्रवेश नहीं कर सकते। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हर एक सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे चंपारण जाना है, मैं चंपारण जाके रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यहां के जो स्थानीय प्रशासन था, बिहार का जो स्थानीय प्रशासन था, उन्हें अपना डिसीजन तुरंत वापस लेना पड़ा। तो महात्मा गांधी जब उनका डिसीजन वापस लेना पड़ा, तब महात्मा गांधी यहां चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने के साथ जो वहां के किसान सहयोग आंदोलन बना था, किसानों के द्वारा जो किसानों का आयोग बना था, जो आंदोलन चला जा रहा था चंपारण आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी को सदस्यता दी जाती है, उसके सदस्य महात्मा गांधी को बनाया जाता है और वो आंदोलन अधिक तेजी से चलता है। तो वहां पे अंग्रेज एक दशक के अंदर चंपारण छोड़ने के लिए अर्थात बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अंग्रेज ने वादा किया कि मैं एक दशक के अंदर इस चंपारण को छोड़ दूंगा, अर्थात चंपारण को स्वतंत्र कर दूंगा, आप लोग इस आंदोलन को समाप्त कर दिए। तब महात्मा गांधी का यह आंदोलन सफल हुआ, बिहार का चंपारण आंदोलन सफल हुआ और अंग्रेज एक दशक के अंदर चंपारण छोड़कर चले गए। एक दशक के अंदर अंग्रेज चंपारण छोड़कर चले गए। दूसरा जो आंदोलन था हमारा, दूसरा सत्याग्रह जो था, दूसरा सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन, एक गुजरात का एक जिला है खेड़ा, गुजरात का एक जिला है खेड़ा। यहां पर खेड़ा में अधिक वर्षा होने के कारण, खेड़ा में अधिक बारिश होने के कारण वहां के किसानों की फसल बर्बाद हो गई, अर्थात किसानों की फसल समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद वहां के किसान भू राजस्व अदायगी करने में असमर्थ, अर्थात कर देने में असमर्थ हो गए। वहां के जो किसान थे वो कर देने में असमर्थ हो गए। जब कर देने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने महात्मा गांधी से सारी बातें बताई कि यहां पे अधिक बारिश होने के कारण हमारी फसल नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है, मैं यहां अंग्रेजों को कर नहीं दे सकता हूं। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों को संबोधित करते हैं, खेड़ा के किसानों को संबोधित करके कहते हैं कि कोई भी किसान, खेड़ा का कोई भी किसान अंग्रेजों को भू राजस्व नहीं देगा, अर्थात कर नहीं देगा, भू राजस्व अर्थात कर नहीं देगा। महात्मा गांधी गांव गांव जाकर के किसानों का उत्साह बढ़ा रहे कि आपको कर नहीं देना है। इस
कर के खिलाफ अगर जहां पे भारतीय किसानों के साथ कर वसूला जाता है तो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे, एक सत्याग्रह करेंगे। तो कौन सा सत्याग्रह था? खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1917 में। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ होता है 1917 में। इस आंदोलन में 22 मार्च को महात्मा गांधी आकर के शामिल होते हैं। इस आंदोलन में 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी आकर के शामिल होते हैं। इससे किसानों का और उत्साह बढ़ जाता है। किसानों का उत्साह बढ़ने के बाद महात्मा गांधी किसानों को लेकर गांव गांव जाते हैं। महात्मा गांधी किसानों को लेकर के गांव गांव जाते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं कि आपको कर नहीं देना है, आपको कर नहीं देना, कर के खिलाफ में एक आंदोलन चलाना है। महात्मा गांधी भी आंदोलन को याद मनाते हैं। कुछ समय बाद महात्मा गांधी को पता चला कि यह आंदोलन सिर्फ धनाढ्य किसानों अर्थात समर्थ व्यक्तियों से भू राजस्व वसूला जा रहा है, ना कि गरीब किसानों से। जब महात्मा गांधी को पता चला कि कर सिर्फ धनाढ्य अर्थात जमींदार या समर्थ व्यक्तियों से जो कर दे सकते हैं उन्हीं व्यक्तियों से कर वसूला जा रहा है, तब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यहीं पे इस आंदोलन को स्थगित हो गया और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से सफल रहा। और यहां के गरीब किसानों से अंग्रेजों ने कर वसूलना बंद कर दिया था और यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1918 में 1918 में अहमदाबाद में प्लेग जैसी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी आने के कारण भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर अहमदाबाद में मजदूरों की संख्या में कमी आने लगी। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर अहमदाबाद में भारतीय मजदूरों अर्थात उस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में कमी आने लगी। जब कमी आने लगी, धीरे धीरे संख्या घटने लगी फ्लेग के कारण वहां के उद्योगों में मजदूरों की संख्या घटने लगी, तब वहां के उद्योग मालिकों ने तब अहमदाबाद की उद्योग मालिकों अर्थात औद्योगिक मालिकों ने किसानों के ऊपर, जब किसान अपने उद्योगों को छोड़ने लगे तो वहां के अंग्रेज अर्थात उद्योग कंपनियों के मालिकों ने 75% बोनस के रूप में उन मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी। जो मजदूर अहमदाबाद की मिल में काम करते थे फ्लेग के कारण जब वहां के मजदूर उसे छोड़कर घर जाने लगे तो मिल मालिकों ने क्या किया, 75% उनके वेतन में वृद्धि कर दी, बोनस के रूप में 75% वृद्धि कर दी। तब किसानों में थोड़ा उत्साह आया, किसान मिल छोड़ने का, किसान कंपनी छोड़कर जाने के बजाय कंपनियों में काम करना प्रारंभ कर दिए। जब किसान काम करना प्रारंभ कर दिए
तब इन्हें 75% बोनस अधिक मिलने लगा, अधिक मिलने लगा। इसके बाद प्लेग बीमारी समाप्त हो जाती है, जब प्लेग नामक बीमारी अंडाशय समाप्त हो जाती है, तब इस 75% बोनस को अमेरिकी मालिकों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। 75% बोनस को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद अब भारतीय मजदूरों जो समाप्त किया गया 75% बोनस, इसके खिलाफ भारतीय मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया कि मुझे 75% जो बोनस दिया जा रहा था, मुझे 75% बोनस मिलना चाहिए। यहाँ के सभी मजदूर, यहाँ के सभी मिल मजदूर मजदूरों ने कंपनी में तालाबंदी का ऐलान कर दिया कि हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, कंपनी में काम नहीं करेंगे। तब महात्मा गांधी आकर के शामिल होते हैं इसमें। महात्मा गांधी इस मिल मजदूर आंदोलन में आकर के शामिल होते हैं, आश्वासन देते हैं, कंपनी मालिकों से बात करते हैं। बात करने के बाद कंपनी मालिक इन्हें 35% बोनस के रूप में देने पर सहमति बन जाती है। 35% बोनस के रूप में देने को मिल मालिक तैयार हो जाते हैं। 35% बोनस के रूप में इन्होंने, यहाँ के मिल मालिकों ने भारतीय मजदूरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सत्याग्रह का मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। मिल मजदूर आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। इसके बाद आता है रॉनेट एक्ट तथा कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉनेट एक्ट तथा कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, रॉनेट एक्ट तथा कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉनेट एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अभी भारत में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में रॉनेट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी भारतीयों के लिए रॉनेट एक्ट लाने की, क्या जरूरत थी, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। किसका क्या था, इसका कारण क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी रॉनेट एक्ट की। इस समिति का, रॉनेट एक्ट एक समिति, इस सर सिडनी के द्वारा, सर सिडनी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया समिति का गठन किया गया जिसे सोडियन समिति कहा गया। सर सिडनी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसे सोडियन समिति कहा गया। इसका उद्देश्य था कि जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, जो भारत में सत्याग्रह चल रहा है, इस सत्याग्रह को दबाने के लिए, जो भारत में सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन संबंधित षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं, जितने भी भारत में सत्याग्रह चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से एक कानून आया। जैसे अभी हम तीन सत्याग्रह, तीन आंदोलन पढ़ चुके, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन तीनों आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया। अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया जिसे रॉनेट एक्ट कहा गया। इस सर सिडनी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन 1917 में इंग्लैंड में किया गया था। समिति का गठन 1917 में हुआ।
लेकिन 1918 में इस समिति भारत आती है, 1918 में इस समिति भारत आती है। इस समिति का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों संबंधी जो आंदोलन चल रहे थे इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको लाया गया। लाने की क्या कारण थी इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या था। भारत रक्षा कानून, भारत में रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। भारत में रक्षा कानून की अवधि जो थी समाप्त होने वाली थी। भारत में रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। इसका एक कारण यह भी था, लेकिन जो उद्देश्य इसका था कि जो चंपारण आंदोलन चल रहा है इस तरह से भारत आजाद हो सकता है, इसलिए भारतीयों को दबाने के लिए एक कानून का निर्माण किया गया, एक विधेयक पारित किया गया। भारतीयों को दबाने के लिए सोडियल समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1918 में भारत आ जाता है, लेकिन भारत में इस समिति की सिफारिश पर 1919 में केंद्रीय कैबिनेट 1919 में केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी रिपोर्ट सर सिडनी ने प्रस्तुत की। केंद्रीय परिषद में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। दो विधेयक प्रस्तुत किया गया, यहां पे दो कानून प्रस्तुत किया गया। 1919 में दो विधेयक अर्थात दो कानून प्रस्तुत किए गए जिसे भारतीयों ने रौलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे भारतीयों ने रौलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। भारतीयों ने रौलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, बट जो दूसरा कानून था, दूसरे कानून को तो अंग्रेजों ने वापस ले लिया, दूसरे विधेयक को तो वापस ले लिया, लेकिन जो पहला विधेयक था अंग्रेजों के द्वारा सिडनी के द्वारा जो पहला विधेयक आया था वो विधेयक का क्रांतिकारियों अराजकता अपराध अधिनियम, क्रांतिकारी क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम जो पहला कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा दो विधेयक लाया गया था, एक विधेयक तो वापस ले लिया गया, बट जो दूसरा विधेयक एक विधेयक जो बचा था वो क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम था। इस विधेयक को अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय परिषद में इसे पारित कर दिया गया, केंद्रीय परिषद में इसे पारित कर दिया गया। 8 मार्च 1919 को इसे पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार इसे क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम 1919 18 मार्च 1919 को इसे पारित कर दिया गया। इसे ही इस क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को ही रॉलेट एक्ट कहा गया। कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट का जो दूसरा नाम था, जिस नाम से कानून बना था, क्या नाम था उसका, क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम, क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे बाद में रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम था, अपराध अधिनियम, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे मनमानी ढंग से जेल में डाला जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को
गिरफ्तार करके, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला जा सकता है। अंग्रेजों ने क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला जा सकता था, उसे जेल में डाला जा सकता था। जेल में डालने के बाद उसकी सजा जो थी वो 3 साल के लिए निर्धारित की थी, उन्हें 3 साल तक जेल में रखा जाएगा, 3 साल तक जेल में रखा जाएगा। इस कानून को हिरलेट एक्ट के नाम से जाना गया और इसी कानून का विरोध करने के लिए भारत के किसान मजदूर सड़कों पर उतर आए और इसका खुला विरोध प्रदर्शन करने लगे, इस अधिनियम का खुला विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्कूलों का बहिष्कार किया, परंतु सत्याग्रह ही आंदोलन एक नवीन उच्च स्तर प्रदान किया गया। राष्ट्रवादी कुछ करके दिखाना चाहते थे। मार्च 1919 में इस प्रदर्शन के विरोध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें कि 6 अप्रैल 1919 को जब अंग्रेजों की वस्तुओं का, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संस्थानों का और कोर्ट कचहरी डॉक्टर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जितने भी भारतीय कर्मचारी थे, सभी कर्मचारियों ने अपने काम से कुछ छोड़ दिया, काम को छोड़ करके इस सत्याग्रह में, रॉबर्ट एक्ट सत्याग्रह में शामिल हो गए और इसका विरोध करने लगे। जैसे भारत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे, विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों और था अंग्रेजों के द्वारा खोले गए स्कूल संस्थानों का भी विरोध करने लगे। तो 6 अप्रैल 1919 में इसी के विरोध में, रॉबर्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद दो और राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी इसी के विरोध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो राष्ट्रवादी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एक सभा का आयोजन किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एक सभा का आयोजन किया जाता है। वो सभा अमृतसर बाद में शांति सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय वृद्ध किसान मजदूर और महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में पहुंचते हैं, जिसमें वृद्ध किसान महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में पहुंचते हैं। संख्या में पहुंचने के बाद जो जल्ली नामक व्यक्ति की बाग थी, जिसे आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, उस बाग में सभी व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और शांति सभा का आयोजन किया जाता है और शांति सभा प्रारंभ हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को। शांति सभा का आयोजन इसलिए किया गया था कि महात्मा गांधी को 6 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार किया गया और तो राष्ट्रवादी नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किया गया था। इनके विरोध में एक अमृतसर में जल्ली नामक व्यक्ति की बाद में एक आम सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में वृद्ध किसान महिलाएं बच्चे काफी संख्या में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद इस सभा प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होने के बाद उस समय पंजाब का जो प्रशासनिक अधिकारी अर्थात वायसराय था, जनरल डायर था, उस समय वहां का प्रशासनिक अधिकारी अर्थात वहां का वायसराय जनरल डायर शाम 5 बजे इस बाग में पहुंचता है। जो बाग चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई थी, इसका एक
सिकरा रास्ता था, एक पतला छोटा रास्ता था जिससे लोग आ जा सकते थे। चारों तरफ दीवार थी, चारों तरफ इस बाग की दीवार थी। जनरल डायर शाम 5 बजे पहुंचता है और वहां किसानों अर्थात महिलाओं बच्चों को निकलने के लिए 3 मिनट का समय देता है कि 3 मिनट के अंदर इस बाग को खाली कर दो, 3 मिनट के अंदर इस बाग को खाली कर दो। तो कुछ व्यक्ति निकलना स्टार्ट करते कर देते हैं, लेकिन उस बाग में लगभग भारतीय किसानों अर्थात महिलाओं बच्चों की जो संख्या थी अनुमानता वो लगभग 20,000 के आसपास थी, लगभग 20,000 के आसपास थी। तो वहां से निकलना प्रारंभ कर देते हैं, 3 मिनट तक कुछ लोग वहां से निकल लेते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद जनरल डायर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। वहां के जलियांवाला बाग में किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। गोलियां चलाने के बाद वहां उस बाग में एक कुआं भी था, कुछ लोग उस कुएं में जाकर के गिर जाते हैं कि शायद हमें आग गोली से बच जाए, लेकिन वो कुआं भी लाशों से पट गया, वो कुआं भी लाशों से पट गया। और जब गोलियां चलाने के बाद वहां पे देखा गया कि कितने व्यक्ति मारे गए, कितने व्यक्ति मारे गए, तो लगभग अंग्रेजों की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था जांच के लिए, अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। गठन करने के बाद उन्होंने बताया कि 389 व्यक्तियों की यहां पे मृत्यु हुई है, लगभग 1200 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। ये अंग्रेजों की हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसे महात्मा गांधी ने वो काले पन्ने अर्थात लीपापोती की संज्ञा दी कि अंग्रेजों की टीम है ये हंटर कमेटी।